स्टार्ट चलिए वेलकम ऑल आइए सारे स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग पड़ाव पर है आ, के टीसीपी टी के बाद एल्कोहल बनाना सीखा था हमने डाइल्यूट एस्टियोसोफोर आ, उसके बाद कॉन्सेंट्रेट एस्टियोसोफोर की रिएक्शंस की थी और बहुत मजेदार सेगमेंट था तो के सी के कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो वहीं से स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन रह गए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे आई थिंक के सी का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर है तो 25 तक मैंने डिस्कसन कर दिया था सो स्टार्टिंग विथ होमवर्क डिस्कशन 26 क्वेश्चन वाज तो जो नोट ऑक्सीजन एक्चुअली ऑक्सीजन यहाँ था कंजुगेटेड था और इस पर था आपका HBR HBR one equivalent and no condition is given तो आप देखिए ये बाउंड घुमाएंगे सबसे स्टेबल केटाइन मिल आया यहाँ से तो मेरे भाई ये आंसर आएगा आपका ये मेजर प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट तो एक माइनर प्रोडक्ट डेफिनेटली आपको दिखेगा आ, like this यहाँ पर होग ये क्या होगा माइनर प्रोडक्ट ये मेजर है ठीक है अगर के टीसीपी के टर्म्स में बात करेंगे तो के सी पी भी यही टी सी पी भी यही क्लियर ट्वेंटी सेवन की बात करें ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन बहुत आसान है ये क्वेश्चन तो हमारा ट्वेंटी क्वेश्चन जैसा ही है एच आर वंस वी आर गिवेन विथ लो टेम्परेचर माइनस एट्टी डिग्री सेंटीग्रेड एंड सेकेंड हाई टेम्परेचर है पैंतीस थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड सो आपको पता है दोनों जगह आंसर दो आएंगे दोनों जगह आंसर दो आएंगे देखिए ये और ये क्लियर लो टेम्परेचर में रिएक्शन इरिवर्सिबल नेचर रखता है और रिएक्शन इरिवर्सिबल नेचर रखता है तो जो जल्दी बनता है वही ज्यादा प्रोडक्ट देता है यानी कि कैनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट के ये आपका मेजर आता है मेजर बोले तो हम प्यार से मां बुलाते हैं ठीक है और ये माइनर बोले तो मी तो क्या हो गया ये माँ पीछे मा मी हो गया ठीक है अरे मुद्दा छोड़ो आ जाओ। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और मेजर प्रोडक्ट टीसीपी हो जाती है ये टीसीपी है आपका और ये आपका के था ये हमने करा हुआ है पहले सो आंसर सेम है आंसर कंपोजिशन प्रोडक्ट में जो दो चीज़ें हैं वो मिक्सचर में वो सेम है क्लियर महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट है तो भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे ना भूल पाएंगे वाला कॉन्सेप्ट है एंड क्वेश्चन इज वेरी क्लियर इज सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू क्लियर एंड अगेन वी आर यूजिंग एच वी आर वन इक्वल एंड क्लियर सो इट्स वेरी क्लियर नो कंडीशन इज गिवेन कोई कंडीशन दी नहीं हुई है और अगर हमें इसका मोस्ट प्रोडक्ट बनाना है आई I मीन mean, इसका मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो दैट शुड बी मोस्ट स्टेबल टीसीपी प्रोडक्ट सो वी हैव ट्रिपल एंड वी हैव डबल ओके सो ट्रिपल एंड डबल दोनों मौजूद हैं यहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आपको और दिया है ऐसे ही क्वेश्चन और दिया है लेट मी चेक ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने आपको हाँ दिया है और अगर आपको याद आ रहा है वो है थर्टी टू क्लियर किसी को याद आ रहा हो तो थर्टी टू मैं थर्टी टू पहले करना चाहता हूँ मैं फर्स्ट थर्टी टू करना चाहता हूं देखें क्यों क्वेश्चन था एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच टू सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू एंड इट्स एच बी आर वन इक्वेलेंट ये मजेदार क्वेश्चन पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने कुचरो रिएक्शन पढ़ी थी कुचरो और उस कुचरो रिएक्शन में हमने चर्चा की थी कि डबल बॉन्ड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है ट्रिपल बॉन्ड से ये बात दिमाग में रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है डबल बॉन्ड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है ट्रिपल बॉन्ड से तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो मेरे भाई ये जो है और ये इसमें ये जो है ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है और ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है क्लियर ये दोनों मल्टीपल बॉन्ड ये दोनों मल्टीपल बॉन्ड जो हैं ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है ये ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है इसकी वजह से उस पर कुछ नहीं हो रहा उसकी वजह से इस पे कुछ नहीं हो रहा क्लियर हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन एंस टाइटली पैक थी टाइटली पैक डबल बॉन्ड की थोड़ी लूज थी दैट्स वाई वी कैन यूज दो लूज इलेक्ट्रॉन्स एच बी आर जो था वो आपका इस स्प्रे अटैक करेगा ठीक है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल एंड यू वुड गेट सिंपल आंसर एट टू डिग्री ब्रोमाइड सी एच एंड बी आर एंड सी एच थ्री सो दिस इज ऑल अबाउट थर्टी टू बट यू आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन ट्वेंटी एट इट इज डिफरेंट एक्चुअली वहां भी एक डबल थी अरे ऐसा नहीं है दोस्त इस बार ये कंजुगेटेड है दे आर कनेक्टेड एक्चुअली आपको जो दिख रहा है वो एक हाइपोथेटिकल रेजोनटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है आपने देखा यहां टाइटली पैक होने की वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम थी और यहां पर टाइटली पैक ना होने की वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा थी बट अगर आप मन की आंखों से देखें ये एक हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है खुद समझना जरा यहां पर ये एसपी हाइब्रेडाइज कार्बन है और ये sp2 टू कार्बन है मेरे भाई sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा ले सकता है sp2 के कंपेटिवली तो sp2 दे रहा है और sp ले रहा है फीलिंग्स के लिए मैंने बताया है अगर आप ध्यान से इसके हाइब्रिड को सोचेंगे तो आप पाएंगे कि इसके हाइब्रिड में इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रुझान इधर हुआ होगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टाइटली पैक हैं तो वो तो कहीं गए नहीं होंगे इसके इलेक्ट्रॉन लूजली हेड लें तो उसके इलेक्ट्रॉन इधर आए होंगे इधर ज्यादा है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्मलेट एक्मलेट कर सकता है और अगर समझो इस सारों को तो मेरे भाई हाइब्रिड में इस कार्बन पर माइनस चार्ज कलेक्टेड होगा बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन ऑफ दीस पा अप टू स्लाइट एक्सटेंड टू दिस साइड और मेरे भाई यहां एच यहां बी आर एंड यू वुड गेट ए आंसर जिसमें ये देखें ये मेजर आंसर है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा मैं कह रहा हूं क्वेश्चन यही आएगा चेंज भी नहीं होगा अगर इस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी होती है uh, देख सकते हैं इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वेन दे आर कंजुगेटेड थिंग्स आर जस्ट रिवर्स्ड जैसा कि यहाँ पर था इसीलिए थर्टी टू क्वेश्चन था देखिए हाँ ये लॉजिकल है यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है दीज थिंग्स आर कनेक्टेड ओके सो इट वॉज ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट था भाई अरे बाकी कहाँ गए क्वेश्चन अरे क्वेश्चन हाँ भाई एस सी एल वाला अरे क्या मजा आ गया लोटी हाइटी एस सी एल सेम कर लो सेम 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 ट्वेंटी नाइन कर लोगे ट्वेंटी नाइन कर लोगे ना भाई एस सी एल ये लो टेम्परेचर है और ये हाई टेम्परेचर अरे क्या मजा आ गया यार यहाँ के सी पी बना देना यहाँ के सी पी बना देना लो बन गया के सी पी और यहाँ टी सी पी बना देना मेजर माइनर यहाँ ये मेजर ये माइनर इस जगह पर और इस वाले में ये मेजर बोला माइनर कर लेंगे अरे कोई डाउट नहीं है यार थर्टियत मजाक है मजाक एंड आई थिंक यू लाइक जोक्स थर्टियत थर्टियत में देखो क्या है दो डबल बॉन्ड है दो डबल बॉन्ड हैं दो डबल बॉन्ड, बॉन्ड हैं और एक एच बी आर एक एच बी आर कौन सी डबल बॉन्ड है ज़्यादा न्यूक्लियो फिलिक ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फाइल है और ये वीक न्यूक्लियर फाइल ऐसा कैसे पता चला बोलो भाई कैसे पता चला सब्स्टिट्यूटेड होने की वजह से इसके पास डेंसिटी इधर से भी आ रही उधर से भी आ रही उधर से भी आ रही तो मेरे भाई सीधा सीधा लो आंसर करो एंजॉय थ्री डिग्री सिंपली थ्री डिग्री जस्ट गेट इट आंसर थर्टी भी कर लिया अब करेंगे थर्टी वन मजेदार क्वेश्चन है थर्टी वन मजेदार क्वेश्चन है थर्टी वन के लिए मैं हटाऊंगा ये सारी चीजें थर्टी वन अगर आपने ध्यान से किया है तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है थर्टी वन जो है ना बहुत मजेदार क्वेश्चन देखें थर्टी वन देखते हैं होमवर्क है थर्टी वन डबल 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 एंड इट इज एच बी आर कहा मैकेनिज्म करें एच प्लस की प्रेजेंस में बाइलेक्ट्रॉनिक पोलराइज हुई क्लियर ना यू यूड हैव सिंगल कैटायन यूड है सिंगल कैटायन आपके पास एक ही कैटायन आएगा और जिसे आपको समझना पड़ेगा उसके हाइब्रिड से जिसको आपको उसके हाइब्रिड से समझना पड़ेगा थोड़ी बुद्धि होगी तो समझ जाओगे कि इसमें तीन जगह प्लस आएगा तीन जगह प्लस आएगा और ये प्लस आप रिजोनेंस करके देखिए ऐसे बना सकते हैं देख सकते तो काँ -काँ रहे हैं कहाँ कहाँ एक और तो डबल? यहां यहां ये यह प्लस अब देखिए किटाया ने की है ये ऊपर वाला उसमें तीन जगह प्लस है तीन जगह प्लस है तो अगर मैं जनाब वो बोलूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो अब अगर आपने यहाँ बी आर माइनस डाला तो तीन आंसर आएंगे तीन आंसर आएंगे वन इज वन टू प्रोडक्ट डबल डबल बी आर है आपका वन टू प्रोडक्ट और अगर आपको तो याद हो तो वन टू प्रोडक्ट को हमने केसीपी डिक्लेयर कर दिया था ठीक है टीसीपी ढूंढने के लिए सारी पॉसिबल प्रोडक्ट में स्टेबल प्रोडक्ट देखते हैं ऑल प्रोडक्ट्स जो कि हो सकती हैं उसमें हम स्टेबल प्रोडक्ट देखते हैं इसमें भी यार यहां लगेगा ये भी यार ये देखिए ये आपका वन फोर प्रोडक्ट है वन फोर यू नो ना वन फोर कैसे बोल रहे हैं अपन अरे एच गया वन पर बाकी यहाँ बी आर टू पर लगाया तो वन टू यहाँ बी आर फोर पर लगाया वन फोर और यहाँ क्या बनाएंगे हम मिलकर बनाएंगे वन सिक्स प्रोडक्ट वन सिक्स प्रोडक्ट और ये है वन सिक्स प्रोडक्ट देखो मगर मन की निगाहों से हमें देखना है मोस्ट स्टेबल कौन है मेरे भाई इसके पास रेजोनेंस है और एक एच है रेजोनेंस के साथ साथ इसे एक एच प्राप्त हुआ है इसकी किस्मत खराब है इधर रेजोनेंस ही नहीं है मेरे रेजोनेंस है रेजोनेंस के साथ साथ इसे इधर दो और इधर तीन अल्फा एच की प्राप्ति हुई है पांच अल्फा एच समझदार के लिए है ये सारा आप बोलेंगे तो बताऊंगा दोबारा क्या आप समझ चुके हैं कि मुझे इसके नीचे टीसीपी चिपका देना चाहिए ये है मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट सो इट वाज थर्टी वन ये थर्टी वन सिंपल इजी थर्टी टू हो गया है थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन ठीक है तो मैं आंसर मेंशन कर देता हूँ इनके, थर्टी थ्री इट वॉज़ लाइक दिस वन हाँ ठीक है तो एच वी आर ये वाली बाउंड घूमेगी आप पता कर लेंगे अपने फंडे से एंड वुड गेट इट दिस के सी पी टी सी पी ठीक है कर लीजिएगा बहुत आसान है कुछ नया नहीं ये वाली बॉन्ड जल्दी घूमेगी सेम फंडा है अगले वाले क्वेश्चन का यहां पी एच है शायद डबल डबल दो डबल है तीन डबल ओ दो डबल है दो डबल दो डबल सेम क्वेश्चन है इतने सेगमेंट को देखो सेम मिलेगा एंड एच बी आर ये वाला इधर घूमेगा एंड यू वुड गेट सेम ये पी एच डबल यहां बी आर यही के सी पी है और यही टी सी पी अरे बॉन्ड घुमा के यहाँ एच अटैक करा लोगे यहाँ प्लस आएगा उस पर बी आर अटैक करा देगा यही मोस्ट स्टेबल है दिस डबल बॉन्ड इज कंजुगेटेड विथ फीनाइल रॉकेट साइंस नहीं बहुत आसान है ये क्वेश्चन तो भाई साहब बस यही बचा था करने को बस ऐसे ही क्वेश्चन बचे हैं करने को और क्या बचा है देखो जरा इसमें जो नीचे वाली डबल बॉन्ड है वो सबसे जल्दी पोलराइज होगी वो सबसे जल्दी पोलराइज होगी क्योंकि इससे स्टेबल केटैन मिलेगा ठीक है वो तो आप रफ में चेक कर लोगे ना सबसे स्टेबल कौन सा मिलेगा तो मेरे भाई उसके बाद मजा आ जाएगा दोनों केटायन जो रेजोनेंस करेगा और ऊपर केटायन आएगा उसका स्ट्रक्चर सेम होगा स्ट्रक्चरल सेगमेंट बिल्कुल सेम होगा ये प्लस यहां रखो या इसके ऊपर रेजोनेंस कराओ सेम रहेगा वो क्लियर ओके तो आप मनाना है तो बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे यह प्लस यहां रखो डबल यहां आ जाएगा डी वेरी क्लियर सेम के सी पी सेम टीसीपी यही के सी पी है यही टीसीपी ओके सो थर्टी फाइव तक के सीपी टीसीपी के क्वेश्चन चुन चुन कर किए हैं हमने कैसे किए चुन चुन कर और अब है हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मेरे भाई इजीएस्ट सेगमेंट इजीएस्ट सेगमेंट मैं इसके आंसर्स बताऊंगा आज हम प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर को हम फिनिश कर दें ठीक है चले और हम नया चैप्टर चालू करेंगे कार्बन फ्री रेडिकल मजेदार चले क्वेश्चन नंबर वन से चालू है मैं बात कर रहा हूं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के क्वेश्चंस के मैं आंसर लिख रहा हूं पहले का मैंने बताई दिया था हो गया था दूसरा आंसर है ये आंसर ये आंसर है क्योंकि यार बहुत आसान है बॉन्ड घुमाते सीधे के टाइम रेंजमेंट हो रहा है तो कराओ यहां दो आंसर आएगा रेसमिक मिक्सचर सेंटर काइरल है टॉप बॉटम अटैक हुआ होगा फोर्थ में एक ही आंसर आएगा फिफ्थ फिफ्थ में दो आंसर आएंगे सेम ही आंसर है सिक्स में सेम आंसर आएगा सिक्स में सेम आंसर आएगा ठीक है दो आंसर टॉप बॉटम अटैक होगा सेवेंथ में एक आंसर आएगा अरे भाई ये बहुत आसान है एच आर जैसे ही है बस रीअरेंजमेंट जहाँ हो रहा है करा देना जैसे एटथ में मैंने अरेंजमेंट कराया है सिंपल नाइन्थ थ का आंसर और टेंथ का आंसर सेम है सिंगल सिंगल आंसर आएगा देख लो और तो और अलेवेंथ का आंसर रिंग एक्सपेंड हो जाएगी रिंग एक्सपेंड हो जाएगी इसके चार आंसर आएंगे क्योंकि ये दोनों सेंटर कायरल है इसके दोनों सेंटर कायरल है ट्वेल्थ बहुत आसान है एक आंसर दिख रहा है यार एक थर्टींथ अच्छा क्वेश्चन है थर्टीन में मेजर आंसर ये आएगा ये रेसमिक मिक्सर होगा मैंने प्लस यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा तीन दो पाँच अल्फा एच की वजह से तीन दो पाँच अल्फा एच की वजह से तुम बीच में प्लस लेते तो दो, दो चार अल्फा एच आते दैट्स वाई ये आंसर है और फोटींथ फोटीन आपको पता है फिर से केसीपी टीसीपी जैसी सिचुएशन आ गई है तो मेरे ख्याल से ये आंसर आएगा मेजर आंसर की बात कर रहा हूँ मेजर क्वेश्चन की आंसर की बात कर रहा हूँ मुझे याद है फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन हमने कर लिए थे 15, 16, 17 हमने कर लिए थे 15, 16, 17 कौन सा था कुछ रो, कुछ रो।, याद है कुछ रो था भाई तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के क्वेश्चन निहायती आसान बिलीव मी रत्ती भर भी आपको टेंशन नहीं होगी बहुत आसान सेगमेंट है खटाक से कर लीजिए और कोई डाउट होगा तो ग्रुप पे डाउट पूछ लीजिएगा ठीक है अब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एस फोर के क्वेश्चन थे जिसमें पहला मैंने कर लिया था हुँ? बाकी क्वेश्चन में बता देता हूँ ध्यान से देखेंगे दूसरा क्वेश्चन था शायद प्रोपीन था क्या नहीं ब्यूट 1 इन था ब्यूट 1 इन था और कॉन्सनट्रेट एच टू एस फोर था अरे यहाँ तो बवाल था भाई याद आया आपको बवाल यहां बवाल था कि थ्री डिग्री के टायन में एच माइनस अटैक नहीं कर पाता था तो वहां एल्किन डायमराइज हो जाती थी ये है यहां पर खासियत एल्किन डायमराइज हो जाती थी तो ये टू डिग्री के टायन में तो अपन ने वही टिका दिया अभी टू डिग्री के टायन तक तो हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं टू डिग्री के टायन तक तो हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं लेकिन जैसे ही बात आई ये देखो ये ठीक है इसमें इसमें कॉन्सेंट्रेट एच टू फोर था तो क्या करेंगे बोलो बोलो क्या करेंगे चला गया हवन करेंगे आओ हवन ही कर लेते हैं भाई साहब इसमें क्या है मैकेनिज्म एच टू एसओ फोर एच प्लस देगा क्लियर ऐसे ही तो रिएक्शन चालू हुई थी और ये एल्कीन इस H प्लस को लेकर

आपको पता नहीं है पिछली अलकीन में मैंने ही अटैक किया इसने रहे है कहा वहां टू डिग्री वन डिग्री केटायन थे यहां मामला गंभीर है यहां मामला क्राउडेड है ऐसे आसानी से अटैक नहीं कर सकते गुस्सा आ गया उसने कहा देखते हैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन कौन देता है केटायन ने कहा क्यों तुम ही हो क्या अकेले उसने कहा मैं कलौता न्यूक्लियोफाइल हूं केटायन ने कहा नहीं कैटायन ने कहा चल झूठे यहां और भी कोई है और वो है

बनने वाली चीज चीज देखें ये कार्बन पहले मैं देखो पूरा ऐसे बना लेता ये एल्कीन थी और ये कार्बन जुड़ गया यहां आके और प्लस आया यहां प्लस आया यहां अब समस्या पहले से और विकट हो गई है अब समस्या पहले से और विकट हो गई पहले प्लस जिस कार्बन पर था उसके अगल बगल तीन मिथाइल थे अभी प्लस जिस पर है उस पर दो मिथाइल एक मिथाइल से भी बड़ा वाला ग्रुप है इसने को बुलाया फोर माइनस आओ एचओ माइनस गया इसने से कहा कि तुम अटैक करोगे क्या खूब डैश डैश सुनाया इसने कहा देखो जब पहले अटैक नहीं करने दिया तो अब तो इम्पॉसिबल है अटैक अटैक मींस ओ का आकर इस कार्बन से जुड़ना इम्पॉसिबल है ये मुस्कुराने लगा H सो माइनस को गुस्सा आया उसने इसकी गिरेबान पकड़ ली और बोला मेरा एच मुझे वापस करो जो पहले स्टेप में खाया था ना मेरा एच मुझे वापस करो एच सो फोर माइनस एक चांस है यहां से ले जाए एच अगर ये चांस ये वाला आप समझ पाए हैं तो आपको आंसर ये मिलेगा इधर डबल आ जाएगा और अगर और अगर समझो इशारों को अगर वो ये वाला एच ले जाए मान लो तो मेरे भाई मेरे भाई जवाब आपको मिलेगा ये मिलेगा आप बुद्धि लगाओ और ये बताओ कि इन दो में से ज्यादा कौन सा आना चाहिए इन दोनों एल्किन में ज्यादा प्रोडक्ट कौन सी अल्किन का आना चाहिए ऊपर वाली का या नीचे वाली का पिछले बताओ ज्यादा परसेंटेज किसका होगा ऊपर वाली एल्किन का या नीचे वाली अल्किन सही जवाब है ऊपर वाली एल्कीन वेल डन क्योंकि देखो यार ऊपर वाली एल्कीन बनते समय एच सो फोर माइनस लेस क्राउडेड एच को निकाल रहा था और यहाँ पर वो इस एच को निकालने आएगा तो इससे रिपल्सन खाएगा इसलिए यहाँ बड़ा विचित्र आंसर आ रहा है ये माइनर है अगर आप मन की आंखों से देखें तो जो माइनर है वो सेटजेफ है और जो मेजर है वो हॉफमैन है ऐसा पहली बार हुआ है ऐसा नहीं सत्रह अठारह सालों में नहीं नालायक ऐसा पहली बार हुआ है अभी जब से हम पढ़ रहे हैं कि माइनर बन गया और हॉफमैन मेजर बन गया, ऐसा हुआ है बिकॉज ऑफ़ ऑफरी क्राउडिंग भीड़ भाड़ की वजह से एच एस ओ फोर माइनस का उसे अप्रोच ना कर पाना ठीक है चलिए एक क्वेश्चन था इसकी मैकेनियम प्रपोज करनी थी आपको इसकी मैकेम प्रपोज करनी थी आपको भूल तो नहीं गए आ, आओ उसकी मैकेम प्रपोज कर लेते फाइप। फाइप था अरे यार मजाक था ये क्वेश्चन आई डोंट लाइक मजाक दैट्स वाई मैंने नहीं किया ये प्रश्न मुझे ऐसा लगता है आपने ये आंसर आंसर तो मैंने दिया ही था खैर आंसर तो मैंने दिया था भाई आओ बनाएं इसका आंसर बात तब स्टार्ट हुई जब इस एल्कीन ने इस एच टू एस ओ फोर का एच चुरा लिया इस एल्कीन ने इस एच टू एस ओ फोर का एच चुरा लिया चुरा लिया है इसने एच को तो बनने वाली चीज ये है कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो सर ये थोड़े बनेगा ये बॉन्ड ऐसे घुमाया यहां माइनस माइनस ने एच लिया प्लस नीचे आएगा वो कह रहा वो नहीं बनेगा ये बनेगा अब एक सेम ही है ये दोनों सेम हैं इतनी बुद्धि मत दिखाओ ये सेम है घुमा के लिख दो ठीक है ओके अब ये कैटायन बन गया ये कैटायन बनते ही क्या कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दो गिव मी इलेक्ट्रॉन और इसकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आएगा एक और एल्कीन अंधा भी बता दे दो मोल जुड़ रहे हैं भाई आप तो आंख वाले हैं बनने वाली चीज चीज को देखो बोर्ड पर यह है चीज और मेरे भाई क्या आप चीज में रीअरेंजमेंट करा सकते हैं रीअरेंजमेंट हो गया अब यार मजाक के सिवा क्या बचा है ये एच एसओ फोर माइनस चुरा ले जाएगा इस एच को और बनने वाली चीज होगी ये लो हमने मैकेनिज्म को प्रपोज कर दिया वी जस्ट फिनिश डायल्यूट एस्टियोसोफोर कॉन्सेंट्रेट एस्टिफोर एच एक्स एडिशन के सी पी टी सी पी एंड दो बेहतरीन रिएक्शन आपके सामने आने वाली है दो बेहतरीन रिएक्शन दिल खुश हो जाएगा आपका ऐसी रिएक्शन की मज़ा आ जाएगा आपको चलिए चलिए देखते हैं कौन सी हैं वो रिएक्शंस, ठीक है ये मैं सब हटा देता हूँ ओके okay. दरअसल आपसे मैं क्वेश्चन दूंगा आपको पांच क्वेश्चन दिए थे कॉन्सेंट्रेट एस्ट्रेस वहीं मैं सिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा मैंने आपको ये दियान सारे लोग ध्यान से देखें सारे लोग ध्यान से देखेंगे मैंने आपको एल्कीन दी और मैंने आपसे पूछा कि क्या आप इससे ये बना सकते हैं ध्यान से देखो बार बार देखो आपका फोकस रिएक्टेंट पे जाना चाहिए प्रोडक्ट पे जाना चाहिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या हुआ है कैसे हुआ है क्यों हुआ है मेजर प्रोडक्ट ये आनी चाहिए मेजर प्रोडक्ट ये आनी चाहिए जो लिखी हुई है ये आनी चाहिए आपकी मेजर प्रोडक्ट सोचो कर लोगे क्या टाइप कराए समझ में आ रहा है एल्कोहल बनाने का एक मेथड सीखा था अपन ने हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन डायल्यूट एस्ट्रियोसोफोर एस्ट्रियो प्लस अरे कुछ भी ले लो यार तो मेरे भाई ये रिएक्शन आप सबको आनी चाहिए क्योंकि इसमें मात्र डाइल्यूट एच टू एसओ फोर लेने से ये बन जाएगा मात्र डाइल्यूट एच टू एसओ फोर लेने से ये बन जाएगा सही है या नहीं अब लेकिन कुछ और प्रश्न हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं इसलिए कमजोर दिल वाले मजबूत दिल करके देखें ये देखिए ये देखिए देख रहे हैं ना आप ओके मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं कि इससे यह बनाकर दिखाओ मेजर प्रोडक्ट याद रखना यहां ये मेजर है ये क्या है मेजर यहां ये मेजर होनी चाहिए तो अब आपके पास अभी तक ऐसी कोई टेक्निक ऐसी कोई मिकैनिज्म ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है कि आप ये सेकेंड वाला अल्कोहल इससे बना ले समझे मामले को समझे अभी तक तो नहीं है तो आप समझ लें हमारी रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है और हम क्या बेहतरीन चीज पढ़ने जा रहे हैं समझे मामले को समझे मामले को और एक और ऐसी रिक्वायरमेंट जो आपको आश्चर्यचकित करके छोड़ देगी देखिए मैं कह रहा हूं ये बनाओ ये बनाओ इससे यह चाहिए इससे ये चाहिए अब आपका जो है होश वो उड़ गया होगा यार ये क्या चल रहा कैसे बनाएंगे यार ये कैसे बनेगा यही तो ये कैसे होगा ये कैसे होगा ये जानने के लिए हम पढ़ेंगे दो रिएक्शन और ये दोनों रिएक्शन सेलेक्टिव रिएक्शन हैं ये रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन हैं रीजन सेलेक्ट कर लेंगे कि यहां लगना है और यहां लगना है मजेदार रिएक्शन सो आर यू रेडी क्या आप तैयार हैं रिएक्शंस रिएक्शन को सीखने और पढ़ने के लिए ओके okay. चलिए एक काम कर सकते हैं हम इस रिएक्शन को पढ़ें उससे पहले हम कुछ वर्क कर सकते हैं। वर्क कर सकते हैं कि सर इस वाले का आइडिया करूं आइडिया मैंने कहा बोलो कह रहा देखो ये डबल बॉन्ड है मैंने कहा ठीक कह रहा यहां ओ एच लग गया मैंने कहा ठीक कह रहा बॉन्ड ऐसे घूमी मैंने कहा आगे बोलो कह रहा इधर एच लगा है इधर ओ एच लगा है मैंने कहा यार कुछ कायदे की बात करो कह रहा सर देखो पहली बात ये मेजर चाहिए इसका मतलब यहां जो प्लस आया है यहां जो प्लस आया है वो रीअरेंजमेंट ना कर पाए क्योंकि अगर वो रीअरेंजमेंट कर गया तो क्वेश्चन ऊपर वाला आंसर ऊपर वाला आ जाएगा मैंने कहा तो कीटायन आएगा तो करेगा रीअरेंजमेंट कह रहा नहीं ऐसा किटायन होगा जो रीअरेंजमेंट नहीं करता होगा अरे अगर समझो इस सारों को तो आंसर मिल रहा है वो कह रहा है ऐसा कीटायन आना चाहिए जो रीअरेंजमेंट ना कर सके क्या आप समझ रहे हैं उसका इशारा किधर है एनसीसी क्या है किधर है सारा किधर है इस पर एनसीसी ऐसे बनेगा याद आया कुछ और आपको याद होना चाहिए एनसीसी इधर से ही खुलता है फिर उसने कहा वाटर वाटर से एनसीसी खोल दो आंसर पा लो ऐसा कोई लॉजिक लगा दो समझ लो समझ लो मित्रों ये फीलिंग्स होती हैं ये फीलिंग्स होती हैं फीलिंग्स जैसे आप क्रिकेट मैच देखते ना क्रिकेट मैच कि ये फुल टॉस गेंदाई इसे तो पीछे जाके ऐसा टॉल देना चाहिए था वैसे यहां भी फील करिए कि ऐसा एनसीसी बन जाए तो उस पर तो चाहिए चलिए ओके सो ये दो टारगेट और टास्क है आज के हमारे इन्हें ही निपटाएंगे तो आइए पहले हम टारगेट करेंगे इस नीचे वाली रिएक्शन को मेरे भाई महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में है ये महा इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन ठीक है तो मेरे भाई आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वो है हाइड्रो बोरेसन हाइड्रोबोरेसन हाइड्रोबोरेसन हम कह रहे हैं सब भूल जाओ बस इसे मत भूलना इसे मत भूलना हाइड्रोबोरेसन आप कहो ऐसे ऐसे नाम लाते हो आपकी नाम सुन के ही हालत खराब हो जाती तो खरा है कहे को हालत खराब होती हाइड्रो बना है हाइड्रोजन से बोरे बोरेसन बना है बोरॉन से एल्कीन में हाइड्रोजन भी डाल दो बोरॉन भी डाल दो जो बनेगा वो हाइड्रोबोरेशन हो जाएगा वो हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस का नाम हो जाएगा एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन और बोरॉन लगाना इसे हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं। अरे आसान है या नहीं टू इंसर्ट हाइड्रोजन एंड बोरिन इन एल्कीन इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन आसान है ना दोस्त आसान है चलो आसान है तो निपटा देते हाइड्रोबोरेशन समझें 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 फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल बोरेन बाय रिएक्शन ऑफ एन एल्कीन विद ध्यान से देखना बोरेन बोरेन नाम तो सुना ही होगा अरे भाई सुनो बीएस जानते हो प्यार से इसे बोरेन बुलाते हैं लेकिन आपको याद होना चाहिए बी थ्री एग्जिस्ट नहीं करता बोरेन एग्जिस्ट नहीं करता जब तक कि इसे न्यूक्लियोफिलिक तो सॉल्वेंट में ना लिया जाए इसे न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट में लेना पड़ता है नहीं तो ये करेगा बनाना बॉन्डिंग और एग्जिस्ट करेगा डाइ बोरेन के फॉर्म में नहीं तो एग्जिस्ट करेगा डायबोरेन के फॉर्म में तो मैं आपको बता दूं कि भैया ये है इसका सॉल्वेंट हाँ न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट नाम है टी एच एफ नाम तो सुना ही होगा टेट्रा हाइड्रोफ्यूरा बी एस टी टी एच एफ या तो इससे रिएक्शन कराओ मित्रों ये नहीं मिल रहा है आपको तो मन को छोटा ना करें डायबोरीन ले आओ बनाना बॉन्डिंग वाला ले आओ अपन इससे भी काम चला लेंगे ठीक है फॉर्मेशन ऑफ एलकाइल बोरेन बाय रिएक्शन ऑफ एन एल्कीन विद बोरेन और डायबोरेन इज नोन एज इज नोन एज इज नोन एज हाइड्रोबोरियसन इज नोन एज हाइड्रोबोरिएसन देखो रिएक्शन मैं अल्कीन थोड़ी सी सिंपल सी लूंगा यह एल्कीन है ये एल्कीन मजा आ जाएगा आप रिएक्शन देखिए दिल खुश हो जाएगा आप और मेरे भाई ये लिया मैंने बी एच थ्री टी एच एफ और अगर ये नहीं है तो बी टू एस सिक्स ले सकते हैं मतलब आपको बी टू एस सिक्स लिख कर आया बी एस सी टी एच एफ लिख करा है सेम काम करेंगे सेम काम करेंगे देखिए तो ये आपका एल्कि बी एस सी टी एच एफ ये बी टू एस सिक्स अब सही बात देखें इसकी मिकैनियम बेहद निहायती आसान है नित ही आसान मिकैनियम मिकैनियम एक झटके में हो जाएगी तो झटके के लिए थोड़ी देर में तैयार रहिएगा फिलहाल मैं आंसर लिख रहा हूं फिलहाल मैं आंसर लिख रहा हूं ये देखिए ये देखिए ये थ्राइस इसके पास तीन एच है तीन एच ये तीन एल्कीन को निपटा सकता है ये तीन एल्कीन को निपटा बहुत आसान है यार रटना नहीं अभी आ जाएगा आराम से समझ में आ जाएगा हो गया हो गया बधाई हो हाइड्रोबोरेशन हो गया हाइड्रोबोरेशन हो गया अरे अल्किन में हाइड्रोजन भी लग गया बुरान भी लग गया तो हाइड्रोबोरेशन हो गया बधाई हो क्या हो गया हाइड्रोबोरेशन अब ये हुआ कैसे है ये जानने के लिए बोर्ड पर देखें आओ बच्चों तुम्हें इसकी मिकैनिज्म बताता हूं इसकी मिकैनिज्म जाने मेरे भाई मिकैनियम करेंगे उसके बाद हम नोट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे नोट में फर्स्ट पॉइंट क्या आपको पता है क्या आपको पता है कि बी में डी एच थ्री में क्या आपको पता है कि बोरोन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है डू यू नो कि बोरोन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और एच इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है भाई देखो ये बात सत्य है और ये अगर आपको नहीं पता है तो फिर ये गंभीर मुद्दा है दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हाइड्राइड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हाइड्राइड और जहां जहां पूरी ऑर्गेनिक में या पूरी केमिस्ट्री में हाइड्राइड आता है तो इसका मतलब एच विद लोन पे विद एच विद इलेक्ट्रॉन पेयर एच विद इलेक्ट्रॉन पेयर एच माइनस की चर्चा होती है हाइड्राइड वर्ड इट इज कॉल्ड बोरॉन हाइड्राइड और आप यू कैन चेक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितनी होती टू पॉइंट वन के आसपास होती ना सो बोरॉन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी चेक करो यू वुड गेट हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है ज्यादा है तो मामला क्लियर है ज्यादा है तो मामला क्लियर है आओ बच्चों तुम्हें बताएं, देखिए ये, CS3, ये, CH, ये सारे लोग देखना, मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा ये बोरॉन एच 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 बेसिकली आप सबको मालूम होना चाहिए मैं तो बोरेन के अंदर नेचर बता रहा था एच पर ऐसा बोरॉन पर ऐसा बट ओवरऑल ओवरऑल एल्किन क्या है आपकी न्यूक्लियोफिलिक और बोरोइन क्या है आपका इलेक्ट्रोफिलिक बोरोइन इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है केवल छह इलेक्ट्रॉन हैं आओ बच्चों तुम्हें बताएं ध्यान से देखो ये ऐसे ठीक है ये बॉन्ड ऐसे ऐसे पोलराइज होगी सुनो बात को सुनो ध्यान से सुनो ये बॉन्ड ऐसे ऐसे पोलराइज होगी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी वो बोरॉन से रिएक्शन करने लगेगा वो बोरॉन से रिएक्शन करने लगेगा मामले को समझो एक झटके में मामला आपके पास आ जाएगा समझ लेना नहीं तो निकल भी जाएगा उसी झटके से देखो मगर बोर्ड पर इधर मेरे भाई ये सी एच थ्री है ये सी एच है ये सी एच टू है आप देखो जरा इसकी पाई बॉन्ड हुई पोलराइज तो यहां आया पार्सिल माइनस यहां आया पार्सिल प्लस और आप बताओ ये सी माइनस बोरेन में बी से इंट्रैक्ट करेगा या एच से जवाब आप दोगे ये सी का पार्शियल माइनस है ये सी का पार्शियल माइनस है ये बोरेन में बी से इंटरक्ट करेगा या एच से जवाब बहुत क्लियर है ये करेगा बी से इंटरक्ट किससे करेगा इंटरक्ट बी से इंटरक्ट करेगा ध्यान से देखो ये बी से करेगा इंटरक्ट और आपको पता है बी एच बॉन्ड में पोल यहां कैसा चार सा बोलो प्लस यहां कैसा था माइनस क्या आप इशारे समझ रहे हो मेरे भाई समझदार के लिए काफी सारा आप बोलेंगे तो बताऊंगा दोबारा तिबारा चौबारा जितनी बार बोलोगे उतनी बार क्योंकि हम आपको अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे भाई ये देखिए दिस रिएक्शन इज सॉर्ट ऑफ प्रोसीडेड बाय फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट अ सम ऑफ फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट और मन की आंखों से देखो और समझो समझने की आवश्यकता है सी एस थ्री सी एच ये एच जुड़ गया और ये क्या जुड़ा है बी एच टू क्या जुड़ा है बी एच टू क्या जुड़ा है मित्र बी एच टू और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप तक अभी तक आपकी निगाहें नहीं देख पाई हैं, वो ये कि ये दोनों बॉन्ड सेम साइड से जुड़ी हैं, सेम साइड से तो आपकी जो इच्छा हुआ करती थी सर वो सिन एडिशन का कोई एग्जाम्पल दो तो ये सिन एडिशन है ये सिन एडिशन है दरअसल और सबसे फॉर्म में आपको तभी दिखते हैं जब सेंटर काइरल हो जाए केमिस्ट्री क्रिएट हो जाए तब आपको बहुत सुंदर दिखते हैं वो फिलहाल आप मैकेनिजम से समझ सकते हैं कि एच और बी सेम साइड से जुड़े सो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोबोरेशन अब आप देखो हाइड्रोबोरेशन हुआ तो आपने देखा एक बार हाइड्रोबोरेशन हुआ देखो बी एच थ्री था बीएच थ्री था एक बार हाइड्रोबोरेशन हुआ तो एक एच की जगह एक की जगह ये आ गया देखो सारे देखो एक एच की जगह ये आ गया एक एच की जगह ये आ गया अगर एक बार हुआ समझदार के लिए क्या काफी सारा अगर एक बार मैं और रिएक्शन कराऊं तो सच सच बताना मैं कह रहा हूं सच सच बताना ये बनेगा या नहीं बोलो ये बनेगा या नहीं और अगर एक और अल्किन होती अगर एक और अल्किन होती तो बताओ ये बनेगा या नहीं समझदार के लिए काफी सारा आप बोलेंगे तो बताऊंगा दोबारा ये लो ये लो सेम साइड सेम साइड सेम साइड दिस इज कॉल्ड अल्काइल बोरेन एंड दिस इज रिटन हेयर ट्राई अल्काइल बोरेन इन ए कंडेंस फॉर्म कंडेंस फॉर्म इन कंडेंस फॉर्म क्या बार बार सेम प्रोसेस रिपीट करें क्या यार ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है आपको साप साप समझ में आ रहा आपको इसमें कोई दिक्कत चलते चलते। ऐसा कर सकते यूं ही चलते चलते दो मोल और डाल दो, दो मोल और डाल दो अगर दो मोल और डालोगे तो आपको जवाब आप जो मिलेगा वो मिलेगा सी एच थ्री सी एच एच सी एच टू Whole price B. ये इसका स्पाइडर जैसा स्पाइडर इट लुक्स लाइक ए स्पाइडर ट्राइल का ट्राई प्रोपाइल ट्राई प्रोपाइल बोरेन ट्राई प्रोपाइल बोरेन. बोरेन समझदार के लिए काफी सारा बोले तो बताऊ दोबारा है हटा दे स्पाइडर हटा दे क्या स्पाइडर हटा दे हटा रहा हूं स्पाइडर हटा रहा हूँ बहुत हुआ स्पाइडर को मार देते हैं ये स्पाइडर गायब कर दिया से। चलो बहुत खूबसूरत रिएक्शन है भाई साहब मजा आ जाएगा आपको पढ़ के तो ये हो गया आपका क्या एल्काइल बोरीन अब ऐसी चीजें मिलेंगी आपको कि दिल खुश हो जाएगा आपका अब आप कहोगे यार ये कहाँ है ये बनाने की बात कर रहे थे ये क्या हो गया अरे तो धैर्य रखो एल्काइल बोरेन आओ एल्काइल बोरेन को समझते हैं मुझे बताओ बी एच में एच पर पार्शियल माइनस और बोरॉन पर पार्शियल प्लस मेरे भाई कार्बन हाइड्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है कार्बन हाइड्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो क्या आप मेरी बात को समझ पाए हैं या नहीं क्या आप मेरी बात को समझ पाए हैं या नहीं समझो इस सारे को समझो इस सारे को यहां पर भी हम इसका नेचर समझ सकते हैं ये बोरोन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पर पार्शियल माइनस होगा होगा या नहीं होगा बोलो अरे कार्बन तो उससे ज्यादा है एच से यार, है और एच बोरॉन से ज्यादा है तो कार्बन तो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया अब अब हम रहम नहीं करेंगे निपटा डालेंगे इसे मेरे भाई मेरे भाई ये मल्टीपल रिएक्शन शो कर सकता है इतनी रिएक्शन शो कर सकता है कि आप देखें, आप रिकॉर्ड नहीं रख सकते आइए, आइए, कर कर करेंगे, चुन -चुन कर करेंगे हम ठीक है पहली पहली रिएक्शन देखते हैं ये वाली मेरे भाई हाइड्रोबोरेशन आप पढ़ चुके हैं ये हाइड्रोबोरेशन ठीक है सारे लोग देखें दिस इज हाइड्रोबोरेसन जो कि महा इंपॉर्टेंट था ठीक है चलिए अब हाइड्रोबोरेशन के एक स्टेप और आगे जाएंगे एक स्टेप और आगे जाएंगे यह एल्काइल बोरेन यह एल्काइल बोरेन अब अगर मैं इस एल्काइल बोरेन को इस एल्काइल बोरेन को ऑक्सीडाइज कर दूं, और ऑक्सीडेशन करने के लिए हम यूज करेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एच टू ओ टू इन ओ एच माइनस बेसिक कंडीशन में एच टू ओ टू लेंगे क्या लेंगे भाई एच टू ओ टू इन बेसिक कंडीशन तो ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन ये प्रोसेस क्या है ऑक्सीडेशन और सुनना कार्बन बोरोन बॉन्ड कार्बन बोरोन बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाएगी आपको पता है H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पता है ना आपको अरे सबको पता है ना H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पता है ना ये कार्बन बोरोन बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर देगा SCB बॉन्ड CB बॉन्ड खटाक तोड़ डालेगा ऑक्सीडाइज कर देगा समझना CB बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर देगा ये और सुनना मैंने मैंने H2O2 क्या होता है ऐसे देखो H2O2 क्या होता है OHCH कितने होते हैं OHCH तीन H2O2 लेंगे तीन H2O2 तो बताओ छह OH हो गए या नहीं ऐसे ही बता ऐसे ही छह OH में तीन OH बोरोन के साथ भाग जाते हैं तीन OH बोरोन के साथ भाग जाते हैं और तीन OH यहां लग जाते हैं जवाब देखो CS3 CH2 and CH2OH और ये साथ में निकला BOH

ये हाइड्रोमोरेशन ये ऑक्सीडेशन और दोनों को एक साथ पीछे वाले समझना दोनों को एक साथ हम क्या बोलेंगे हाइड्रोबोरेडेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर रिएक्शन जो कि हमें एल्कोहल देता है और देखिए एल्कीन को देखो एक नजर एल्कीन को देखो एल्कोहल कहाँ बना है इस कार्बन पर नॉर्मली हम जो हाइड्रेशन कराते थे हाइड्रेशन तो बीच वाले कार्बन पे बनता था तो मेरे भाई महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सामने ये देखिए हो गई और आइए और और रिएक्शंस भी कर लेते हैं क्योंकि ये बोरेन मल्टीपल चीजों के लिए यूज हो सकता है लाइक ध्यान से देखना मैं अगर आपको एक एसिड दे दू सी एच थ्री सी डबल ओ एच क्लियर तो मैं आपको बताऊं तीन मोल एसिड लगते हैं आपको पता है एसिड को शॉर्ट में मैं लिख सकता हूं लिविंग ग्रुप में पढ़ाता लीविंग में। हां। देखें सी एस टी सी डब्ल्यू एच तीन मोल लगेंगे तीन मोल तीन एच देखो तीन एच तीन एच प्लस वो इस कार्बन पर चले जाएंगे इस पर माइनस है इस पर माइनस है तो तीन एच प्लस इस कार्बन पर चले जाएंगे सो योर आंसर वुड बी सी एच थ्री सी एच एच एंड सी एच टू एच क्लियर और बोरॉन के साथ ये एसीटेट जाएगा विच इज ए लिविंग ग्रुप तो मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं बीओ ए सी होल्थराइस बीओ सी होल्थराइस बी ओ ए सी होल्थराइस यार ये शॉर्ट में ऐसे लिखते यार दोस्त ये है एसटिक एसिड पूरा ठीक है ओके ये भी देखा गया है इवन यू कैन रिड्यूस इट यू कैन रिड्यूस इट मान लो यहां तीन मोल एच टू लेते हाइड्रोजन में हाइड्रोजन गैस तीन मोल तो तीन एच इस कार्बन पे लग जाते और तीन एच बोरॉन के साथ वापस BH3 बना देता वापस बोरेन बना देता तो या तो आप एसिटिक एसिड लो या हाइड्रोजन गैस ले लो ये दोनों से रिडक्शन हो जाए अरे रिडक्शन किया हमने हमने अभी अभी रिडक्शन किया है ये क्या था जनाब ये था रिडक्शन तो अभी अभी हमने किया है एच बी आर अभी भी हमने पढ़ा है एच बी आर रिडक्शन सेकेंड नंबर पे पढ़ा है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन आओ बच्चों तुम्हें बताइए ये दिखाइए ये दिखाइए ये दिखा, ये। मेरे भाई ये है एन एच टू सी एल अगर मैं ये ले लू एन एच टू सी एल तो आप साफ साफ समझ सकते हैं समझदार के लिए काफी इशारा आपको दोबारा बताऊंगा तीन ले लिया कार्बन ये यहां अटैक करेगा सीएल रूप सीएल ग्रुप हटेगा ठीक है तो तीन सीएल एल बोरॉन के साथ बीसीएल थ्री बनाएगा तीन सीएल बोरॉन के साथ बीसीएल थ्री बनाएगा और आपको जवाब में मिलेगा एमीन आपको जवाब में मिलेगा एमीन तो मेरे भाई यहां सब्स्टिट्यूशन हुआ है यहां सब्सटीट्यूशन हुआ इसने अटैक करके सीएल को ऐसा लग रहा है ऐसा दिख रहा है कि इसने सीएल को हटाया और सब्सिट्यूट किया है तो बधाई यो इधर क्या हुआ है हाइड्रोबोरेशन सब्सटीट्यूशन हुआ है क्या हुआ इधर हाइड्रोबोरेशन सब्सटीट्यूशन हुआ है एक और ऐसी रिएक्शन सी एल सी एल सीएलसीएल समझदार के लिए काफी सारा तीन मोल लगा दो बनेगा सी एच थ्री सी एच एच सी एच टू सी एल और क्या निकलेगा बी सी एल थ्री इसका भी नाम सेम है एच हाइड्रोबोरेशन एस हाइड्रोबोरेशन सब्सटीट्यूशन निहायती आसान है ये रिएक्शन आगे बढ़ेंगे एक और है एक रिएक्शन और है भाई साहब ध्यान से देखना मजा आएगा आपको मजा हमने लिया AgNO3 क्या लिया AgNO3 अब मेरे भाई Ag+ प्लस होता है एजी प्लस समझना ए जी क्या होता है प्लस और इधर सी पर नेगेटिव टेंडेंसी है सी पर नेगेटिव टेंडेंसी है तो एजी प्लस सी नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है चुरा लिया इसने किसने चुराया एजी ने एक इलेक्ट्रॉन चुरा लिया कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चुरा लिया एजी प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो मिटैलिक एजी बन जाएगा क्या बन जाएगा मेटालिक ए जी ये देखिए मिटैलिक एजी सही है मिटाली के जी और तीन एनओ थ्री बोरॉन के साथ निकल लेंगे बी एनओ थ्री होल थ्राइस बी एनओ थ्री होल थ्राइस जगह नहीं है भाई साहब मजबूर मत करो मुझे लिखने के लिए बी एनओ थ्री होल थ्राइस बी एनओ थ्री होल थ्राइस बी एनओ थ्री होल थ्राइस सही है अब सोचो 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 इसका अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या आप ये समझ पाए हैं सारे बंधुगण कि आपको मिलेगा रेडिकल आपको एनायन 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 एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे एनायन एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो रेडिकल बनता है अब मेरे भाई इसमें रेडिकल है, इसी का और रेडिकल पड़ा हुआ है तो दोनों रेडिकल एक दूसरे से क्या बोलेंगे आओ बॉन्ड बनाएं इसके सामने इसके सामने इसी की बिरादरी का ये एक रेडिकल अब आप समझ रहे हैं मामले को समझ गए क्या ये डॉट हटाओ ठीक है ये डॉट हटाओ और दोनों के बीच में बॉन्ड बनाओ ये लीजिए ये लीजिए हेक्सेन एन हेक्सेन एन हेक्सेन और क्या हुआ है बताओ बताओ इधर क्या हुआ है एच बी तो पहले हुआ था और अभी डी हो गया है एच बी डी हो गया पिछला कह रहा हैप्पी बर्थडे हो गया अबे नहीं हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन ये आ, हुआ है यहां पर और मैं फिर से बता रहा हूं महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा ओके सो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोबोरेशन ठीक है मल्टीपल रिएक्शंस

अभी एचबीओ चालू हुआ है, आइए अब नोट में हम लिखेंगे पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट नोट में। फर्स्ट पॉइंट क्या आपने ये समझा कि ये एडिशन फिनोमना है मजेदार चीज और सुनो हाइड्रोबोरेशन सिन था उसके आगे भी एचबीओ तक ये पूरा का पूरा सिन एडिशन होता है एच बी ओ इज ए सिन फिनमुना सिन फिनमुना इसका मतलब ये एच और ओ एच सेम साइड से जुड़ेगा सेम साइड से ठीक है पहला सिन फिनना मिला आपको थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनेंगे थर्ड पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनेंगे थर्ड पॉइंट को बहुत ध्यान से, से सुनेंगे सारे के सारे पूरी रिएक्शन समझ में तो आ गई लेकिन रिएक्शन की मैकेनिज्म से कुछ सीख मिलनी चाहिए और वो देखिए क्या है सी एच थ्री सी एच सी एच टू और इसे ऐसे लिख कर दिया जाएगा आपको बी एच थ्री टी एच एफ सेकेंड एच टू ओ टू एंड ओ एच माइनस ऐसे क्वेश्चन आएगा और आप यहां आंसर लिख दोगे सी एच थ्री सी एच सी एच टू एच एंड ओ एच तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं जो बोरेन के साथ होता है वो यहां जाता है और ये भाई साहब मिकैनियम से आप साफ साफ देख सकते हैं ये मिकैनियम से आप साफ साफ देख सकते हैं और H2O2 होता है वो H2O2 होता है वो जो ऑक्सीडाइज करता है बोरेन को तो ये OH, ये OH यहां से आता है ये अपने दिमाग में बैठा लेंगे और ये लॉजिकल भी है एच टू टू ने ऑक्सीडाइज एलकेलाइन कंडीशन ने थोड़ा ऑक्सीडाइज किया है इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो डेफिनेटली इसे टू ने ऑक्सीडाइज किया है चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा एक बात जरा ध्यान से सुनो नॉर्मली अगर एल्कीन पर वाटर अटैक कराते नॉर्मली अगर वाटर अटैक कराते तो ये बॉन्ड ऐसे घूमती यहां एच जाता यहां प्लस आता वाटर उस पर अटैक कर जाता और नॉर्मली आंसर ये आता देखो ये आता नॉर्मली आंसर तो ये है मार्कोनिक ऑफ एडिशन ये है मार्कोनिक ऑफ एडिशन तो क्या आप इसकी प्रोडक्ट को देखकर ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं क्या कि अगर मुझे एचबीओ अगर मुझे एचबीओ का शॉर्टकट बनाना है शॉर्टकट तो मैं दी हुई एल्किन पर वॉटर एड करा लूंगा एंटी मार्कोनिक ऑफ मेथड में अगर मुझे एचबीओ का शॉर्टकट बनाना है एचबीओ ये रिएक्शन इसका शॉर्टकट बनाना है तो भैया देखो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से बीच में है बट एच में एक्चुअली हमने इतनी से सीखा किनारे आता है तो अगर हमें शॉर्टकट बनाना है तो वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ एचवीओ कैन बी ऑब्टेन बाय एज्यूमिंग वाटर एडिशन ऑन गिवन सेम एल्कीन इन एंटी मार्कोनिकॉफ पैटर्न ओके 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 मैं ये बोल रहा था ध्यान से सुने प्रोडक्ट ऑफ एच बी ओ कैन बी ऑप्टेंड शब्दों को समझना है एक एक शब्द को कैन बी ऑप्टेंड बाय एज्यूमिंग बाय एज्यूमिंग एच टू ओ एडिशन ऑन सेम एल्कीन ऑन सेम एल्कीन इन एंटी मार्कोनिकॉफ्स पैटर्न या एडिशन है पैटर्न ठीक है ओके okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये बुक्स में होती है और पेपर में भी पूछी जा सकती है इसलिए इस पे एक इंपॉर्टेंट चिपका देता हूं इस पे भी ले लो अरे इस पर भी ले लो यार सब इंपॉर्टेंट चीजें तो लिख रहा है तुम आओ बच्चों तुम्हें बताएं एक दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कोई जरूरी नहीं है मित्र कि तुम जब एल्कीन लो उसमें बोरेन डालो तो काइल बोरेन आए ये कोई जरूरी नहीं है ऐसा क्यों जरूरी नहीं है मेरे भाई ये एल्कीन की साइज पर डिपेंड करेगा अगर एल्कीन बड़ा वाला है देखो देखो जैसे मैंने आपको ये एल्कीन दिया था मैंने आपको ये एल्किन दिया तो पहले बोरॉन से एक एल्कीन जुड़ गया पहले बोरॉन से एक एल्कीन जुड़ गया फिर इस पे एक और अल्किन यही अटैक करेगा फिर एक और जुड़ गया फिर एक और अटैक करेगा एक और जुड़ गया चलो मान लेते हैं यहां भी रिपल्सन आ रहा था लेकिन क्या आपकी मन की आंखें यह देख पा रही हैं कि अगर मैंने एल्कीन, सुन लो अगर मैंने एल्कीन, अगर अल्किन ये होती तो अगर अल्किन ये होती तो मामला गड़बड़ मामला गड़बड़ है समझ लो मामला गड़बड़ है और अगर अल्किन ये होती तो ये होती तो हां समझो भाई साहब यहां क्राउडिंग ज्यादा है ऐसे केस में ऐसे केस में बोरेन ट्राई एल्काइल दे कोई गारंटी नहीं है वो मोनो एल्काइल या डायल काइल बोरिन तक रुक सकता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आओ बच्चों तुम्हें बताए यह है, BST, तो, भाई है। एक लगेगा, एक लगेगा। तो बनने वाली चीज ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर वो ये आएगी और इसके बाद वापस रिएक्शन होना आसान नहीं है ओके यहां जब बीएसटी टीएचएफ डाला जाता है तो आप अगर ध्यान से देख पाए तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह ऐसे पोलराइज होगी और बोरॉन पर प्लस होता था तो यहां माइनस पर बोरॉन जुड़ेगा माइनस पर बोरॉन जुड़ेगा तो यह समझना होगा आपको तो ये कैसा दिखेगा यहां बोरॉन जुड़ेगा देखो BH2. लेकिन यह देखा गया है कि यहां पर डाइमर मिलता है क्या मिलता है डाइमर मतलब एक और मॉलिक्यूल इससे रिएक्शन कर लेता है तो ये, डायलकाईल बोरेन, डायलकाईल बोरेन, ये बोरेन, अपने को क्या लेना देना है यार अपने को बस ये पता छोटी एल्कीन होगी तो ट्रायलकाइल बोरेन बनेगा बड़ी एल्कीन होगी कुछ तो डाय बनेगा या मोनो बोरेन देखो 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 ये सारी चीजें देखो ठीक है तो ये बात मैं यहां लिख देता हूँ फिफ्थ पॉइंट में इन केस ऑफ क्राउडेड एल्कीन्स क्राउडेड एल्कीन्स मोनो या फिर डायल काइल बोरेन मोनो या फिर डायल काइल बोरेन इज ऑपटेन इज ऑपटेनड एज ए प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट जैसे यहाँ पर देखें मोनो है ये डाय एक और रिएक्शन कराएंगे सी रिएक्शन ए डबल ये डबल ठीक है ये देखें ये एक ये डाइन है और इस पर मैंने क्या डाल दिया बी एस थ्री टी एच एफ ये है बी एस थ्री टी एच एफ तो मेरे भाई यहाँ मजेदार चीज है अगर आप नोटिस करें तो पहले में तो कहीं भी जोड़ दो एच या बोरॉन या बोरॉन या एच कुछ भी जोड़ दो सारे लोग देखना मान लो एच यहां जुड़ गया और बोरॉन यहां जुड़ गया तो यह है BH2. अब सोचने वाली बात ये है कि यह बी एच टू नीचे वाले अल्किन पर भी जोड़ सकता है क्योंकि तो इंटरनल मामला है घर का मामला है तो यह बी एच टू नीचे वाली पर भी जोड़ सकता है और जब यह बी एच टू नीचे वाले अल्किन पर जुड़ेगा तो उसके दो केस होंगे केस नंबर बोरॉन यहां बोरॉन खटाक से जुड़ जाए या उल्टा हो जाए यहां बोरॉन यहां समझना मामले को एच यहां बोरॉन यहां या उल्टा एच यहां बोरॉन यहां मेरे भाई सिमेट्री फायदा उठाते हैं सिमेट्रिकल अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप रिंग साइज देखिएगा बहुत सही रहेगा तो इसलिए मैंने एच यहां लगाया और बोरॉन यहां लगाया तो ये आंसर है इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट ये इस रिएक्शन का क्या है मेजर प्रोडक्ट है क्या है मेजर प्रोडक्ट और आप जानना चाहते हैं ये इसका एक नाम है ये बहुत पॉपुलर कंपाउंड है ये एक बहुत पॉपुलर कंपाउंड है और मैं इस कंपाउंड को थोड़ा तमीज से बनाना चाहता हूँ ध्यान से देखेंगे ये बायोसाइक्लिक टाइप का है इसलिए थोड़ा सा इसे ऐसे करके बनाया जा रहा है ये है मेजर प्रोडक्ट ये बोरॉन ये एच क्लियर और मेरे भाई इसकी अगर आई नंबरिंग करें वन नंबरिंग करेंगे बेस्ट से अंदर तो, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और बोरॉन एंड नाइन क्लियर सो इट इज कॉल्ड नाइन बीबीएन ये इसका नाम है ये इसका नाम है पूरा नाम नाइन बोरा साइक्लो नॉनेन नॉनेन नाइन बोरा बाय साइक्लो नॉनेन और मेरे भाई कई बुक में तो इसे नहायती घटिया तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कह तो इतना बड़ा है तो इसे शॉर्ट में देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एच बी ये देखो ये ऐसे रिप्रेजेंट ये नाइन बीवियन है ये इसका अल्टरनेट रिपल्स रिप्रेजेंटेशन है ऐसे ही ऐसे ही। ये कुछ नहीं है ये पीछे जो आर्क है ना इट्स समथिंग लाइक कि कुछ जुड़ा हुआ है सो दी दिस इज नाइन बीवियन मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड मैं आपको बताऊंगा ये आगे कई जगह पर यूज होगा तो इसी तरीके से ये जो है आपका बी का आंसर इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एस si एल्फा टू बी एच ई इट इज इट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस एस आई एल्फा टू बी एच और नाम जानना जरूर चाहेंगे आप तो ये होता है डिसिमिल बोरेन डिसिमिल बोरेन ये सब नाम याद कर लो यार बस डिसमिल बोरेन डिसिमिल बोरेन ओके सो दैट इज डायल दिस इज डायल काइल दिस इज मोनोल काइल बोरिन में कुछ थोड़ा सा और है सो so, अगली क्लास में एच करेंगे वो सेगमेंट दूसरा वाला रिएक्शन करेंगे और बी आर टू की कुछ 10, 15, 20 रिएक्शन होमवर्क देंगे और अगला चैप्टर चालू करेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही चलिए आज के लिए इतना ही स्वस्थ रहें मस्त